नमस्ते। एक ऐसा चेहरा जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, नाम है रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी अपनी छात्र जीवन से राजनीति शुरू किए, छात्र राजनीति किए और फिर बने छात्र संघ अध्यक्ष। छात्र संघ अध्यक्ष बनने का भी किस्सा है। वो एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से टिकट चाहते थे, उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय मैदान में आ गए और निर्दलीय चुनाव जीत भी गए। फिर उसके बाद 2023 में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा की टिकट मांगे, राजस्थान विधानसभा की टिकट मांगे और भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला। फिर उसके बाद वो 2024 में लोकसभा की टिकट मांगे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन फिर एक बार उन्हें टिकट नहीं मिला और हर बार की तरह इस बार भी वो निर्दलीय मैदान में है। ये तीसरी बार है जब रविंद्र सिंह भाटी खुले तौर पर बगावत कर रहे हो। रविंद्र सिंह भाटी के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिरकार उनका कितना है संपत्ति। उम्र लगभग अभी वर्तमान समय में उनकी 26 है, लेकिन संपत्ति कितनी है इस 26 साल की उम्र में। 26 साल की उम्र में वो विधायक तो बन चुके हैं, क्या सांसद बन पाएंगे ये भी देखने वाला बात दिलचस्प होगा। चलिए अब हम उनकी संपत्ति बताते हैं और साथ ही साथ उनके पत्नी का भी संपत्ति बताएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिरकार उनके पास कैश इन हैंड कितना है, यानी हाथ में उनके पास कितना पैसा है। अगर बात करें उनके पास नकद पैसा की, तो 2 लाख रुपए उन्होंने बताया है चुनाव आयोग को कि मेरे पास हाथ में है। वहीं उनकी पत्नी की बात करें तो उनके पत्नी के पास लगभग लगभग 1 लाख रुपए हाथ में है, कैश इन हैंड। इसके आगे अगर हम बात करें कि खातों में आखिरकार कितने पैसे हैं, तो रविंद्र सिंह भाटी के पास कई सारे खाते हैं। उनमें सबसे पहले खाता का उन्होंने जिक्र किया है, SBI ब्रांच में जो खाता है उसका। SBI ब्रांच में उनका खाता है जिसमें 27,878 रुपये है। 27,800 रुपये उनके एक SBI के खाते में पैसा है। वही दूसरा एक और SBI का उनका सेविंग अकाउंट है जिसमें उन्होंने बताया है 4961 रुपये है। उनका पहला खाता जो SBI ब्रांच में है उसमें है 27,878 रुपये। दूसरा जो खाता है उसमें है 4961 रुपये। तीसरा जो SBI में ही एक और खाता है उसमें है 2,55,706 रुपये। रविंद्र सिंह भाटी के पास जो तीसरा खाता है वो भी SBI बैंक में ही है, और उसमें अगर हम पैसों की बात करें तो उसमें है 2,55,706 रुपये। चौथा और आखिरी खाता जो उन्होंने जिक्र किया है वो है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में उनका एक खाता है, बचत खाता, जिसमें पैसा उन्होंने बताया है कि 11,000 रुपये मात्र एक्सिस बैंक में है। ये तो बैंक में पैसों की बात हो गई रविंद्र सिंह भाटी की, लेकिन आखिरकार उनकी पत्नी के खाते में कितने पैसे हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने बताया है कि उनके 4 खाते हैं और चारों खातों का उन्होंने बताया है कितने कितने पैसे हैं। वही अब उनकी पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी के पास मात्र एक खाता है, एक ही ब्रांच, एक ही अकाउंट है बैंक में, और वो है BOB ब्रांच में, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में उनके पास जो पूरे पैसे हैं वो है 271 रुपये 55 पैसे। ध्यान से सुनिएगा, 271 रुपये 55 पैसे उनके पत्नी के खाते में है। अब हम जिक्र करेंगे कि रविंद्र सिंह भाटी और उनके पत्नी के पास कितने सोने चांदी गहने हैं। बात करें रविंद्र सिंह भाटी की तो उनके पास 5 ग्राम सोना है, मात्र 5 ग्राम। रविंद्र सिंह भाटी जो कि विधायक हैं और संसदीय का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास मात्र 5 ग्राम का सोना है, आभूषण है सोने का, जिसकी कीमत उन्होंने बताया है कि 33,500 रुपये है। अब अगर हम बात करें कि उनकी पत्नी के पास कितने गहने हैं या कितने सोने चांदी हैं, उनके पत्नी के पास 300 ग्राम सोना का जिक्र उन्होंने किया है। ध्यान
ध्यान से सुनिएगा, रविंद्र सिंह भाटी की पत्नी के पास 300 ग्राम सोना है। वही बात करें चांदी का, तो चांदी 1000 ग्राम है, यानी 1 किलोग्राम चांदी है। इनकी कीमतों की बात करें तो वो उन्होंने पूरा कीमत 20,83,400 रुपये बताए हैं। उनके पत्नी के पास जो आभूषण है वो कीमत है 20,83,400 रुपये। ये हो गई कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और टोटल ज्वेलरी की। इन सभी को जोड़ दिया जाए तो रविंद्र सिंह भाटी के पास कितने पैसे या कितने जो भी संपत्ति है उसका डेटा बनता है। तो पूरे अगर मिला दिया जाए कैश एट बैंक, कैश एट हैंड और जो ज्वेलरी है उनको, तो ये सभी मिलाकर के होते हैं 5,35,045 रुपये 31 पैसे रविंद्र सिंह भाटी के पास है जो सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। फिर से सुनिए, अगर पूरे पैसों को मिला दिया जाए रविंद्र सिंह भाटी की, तो उनके पास है 5,35,045 रुपये 31 पैसे। वही उनकी पत्नी की बात करें तो उनके पास है 21,83,671 रुपये और 55 पैसे रविंद्र सिंह भाटी के पास, रविंद्र सिंह भाटी की पत्नी के पास ये है। अब ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप आगे किस नेता का बारे में, किस नेता के संपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं, बेहिचक कमेंट में बताइए। हम ज़रूर आपके लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।